नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। बैंक हड़ताल 27 को, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। सुबह 9 बजे बिजली का करंट लगने से एक युवा। दिस न्यूज स्पॉन्सर बाय PSJ TBS आसनसोल, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक। खुशी बाउरी, उम्र 12 वर्ष, नाम की एक युवती की आज सुबह 9 बजे बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जामुड़िया थाना के केंडा फाड़ी अंतर्गत चिचुड़िया मोड़ पर पता चला है कि खुशी सड़क के किनारे बिजली के खंभे के पास पड़े तार के संपर्क में आ गई। स्थानीय लोग उसे बहादुरपुरगर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। लोग गुस्से में हैं, उनका विचार है कि विद्युत आपूर्ति कार्यालय को दोषी कार्यालय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चुरी होचा लाइन टागा, लाइन टागा तो माना नहीं, लाइन टेज टागा चो सही के नजे, ताट पे तो झूल जाओ, ताट पे तो व्यवस्था करता है, अगर सुई दिया तो बैंक खोलूंगा, काट दागा है, और जब वो 10 बजे ना छिले चले गए ला, क्या दिवस छिले टागा, आज जगह लाइन होए, वही लाइन है जगह मोरे जब आज चला तले, वो ताट पे झूल जाओ, ताट पे काट बर की दर करो दे, क्यों ना कटे जे ताट लो, क्यों ना काट बर ताट पे क्या? लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वैरायटीज ऑफ लेडीज वियर, मेंस वियर एंड सूट पीसेस आर also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341-222-1590. Rainbow Big Shop. Bank Hadtal 27 ko, lagatar 3 din band rahenge bank. This news is sponsored by मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। इस महीने के अंतिम सप्ताह में लगातार 3 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को अवकाश है। वहीं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 27 जून को बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसे लेकर आसनसोल के राहा लाइन इलाके में PPBA की तरफ से हड़ताल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के आसनसोल एरिया कमेटी के सेक्रेटरी सुप्रकाश चटर्जी ने कहा है कि 27 जून को बैंक हड़ताल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि और मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर यह हड़ताल की जाएगी। उन्होंने पेंशन डिवीजन करने की मांग के साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके वेतन ढांचे को लेकर जो द्विपक्षीय समझौता हुआ है, उसके समझौते के बाद भी 2 बैंकों के कर्मचारी को उनका बकाया नहीं मिल पाया है। उन्होंने इन दोनों बैंकों के कर्मचारियों को बकाया देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों में 1 हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक में भी 5 दिन काम होता है, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। लेडीज वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर, नए डिजाइन की कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर।
और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल। तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन सपना। इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज़वेयर, बस्तीन बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760-292-3। रानीगंज में प्रतिबंधित आतिशबाजी व बम। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार इस बार पुलिस ने घने जंगल में एक सुनसान इलाके में बम धमाका किया। बुधवार को पुलिस प्रशासन की विशेष टीम ने रानीगंज नगर क्षेत्र के अंत और ग्रामीण अंचलों के बीच करीब 30 किलो बम धमाका किया। इस उद्देश्य के लिए रानीगंज दमकल विभाग के एक इंजन के साथ दमकल विभाग बम दस्ते की एक विशेष टीम के साथ पहुंचा। सभी बमों को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बमों में फैलाया जाता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने के मामले में बुधवार को पुलिस आयुक्त ने बार एसोसिएशन में की बैठक। आसनसोल जिला कोर्ट के वकील ब्रह्मदेव दास के साथ शुक्रवार की देर शाम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा उनसे दुर्व्यवहार करने के मामले में वकील ब्रह्मदेव दास ने सोमवार को आसनसोल जिला बार एसोसिएशन में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराया था। वकीलों ने उक्त मामले को लेकर वकील ब्रह्मदेव दास के लिए सोमवार को अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम के कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात कर उन्हें उक्त पूरी बातों की जानकारी भी दी। हालांकि पुलिस आयुक्त श्री नीलकांतम ने मामले पर अपना भरपूर सहयोग भी किया। वहीं बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी से अपॉइंटमेंट लेकर पुलिस अधिकारियों ने दोपहर 3:30 का समय लेकर आसनसोल के सर्कल इंस्पेक्टर स्नेहमय चक्रवर्ती, आसनसोल उत्तर थाना के ट्रैफिक प्रभारी सुरेंद्र चटर्जी तथा आसनसोल नॉर्थ थाना प्रभारी तन्मय रॉय ने आसनसोल बार एसोसिएशन में आकर एक बैठक कर उक्त मामले पर चर्चा कर अपना हर संभव सहयोग भी किया। मौके पर आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी, सचिव मानी कुमार मंडल, सुप्रियो हाजरा, सीनियर वकील अमिताभ मुखर्जी, सीनियर वकील सोमनाथ चटराज, सुनमय सरकार, सनातन धारा, अनुप मुखर्जी, अनय मुखर्जी, अजिंत बनर्जी, सांतनु बनर्जी, उज्ज्वल मंडल, रीता कवि, विनोद सोलांकी, दीपक साहा, विजय प्रसाद, धीरेन चौधरी, श्याम अग्रवाल, मिराज अख्तर, ललन पासवान तथा अभय गिरी आदि वकील मौजूद थे। सदन रहे कि बीते शुक्रवार की देर शाम वकील ब्रह्मदेव दास अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर अपने बाइक पर बैठाकर कहीं जा रहे थे कि संजय कुमार मंडल नामक एक सब इंस्पेक्टर ने उनकी वाहन को रोककर उनसे काफ़ी बुरा व्यवहार किया। वकील ब्रह्मदेव दास ने अपना परिचय भी दिया था, लेकिन उक्त पुलिस अधिकारी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। इसके साथ ही उसने काफ़ी बदसलूकी भी की। हालांकि उक्त घटना को लेकर आसनसोल जिला कोर्ट के वकीलों में भारी रोष व्याप्त है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। Contact Salika Collection in Bastin Bazar, Asansol 1.
कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588. आसनसोल के अभिनव शाव ने गोल्ड पर साधा निशाना। आसनसोल के युवा निशानेबाज अभिनव शाव ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर अपने शहर का नाम रोशन किया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में हुए 20वां कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में यूथ मैन में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं सब यूथ मैन 10 मीटर राइफल में सिल्वर एवं मिक्स जूनियर 10 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह पहला मौका नहीं है जब अभिनव ने किसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया हो। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रजत पदक जीतकर अपने शहर के साथ साथ पूरे देश का भी नाम रोशन किया। अभिनव की सफलता पर उनका परिवार स्वाभाविक रूप से खुश है। दिल्ली के तुगलकाबाद में अभिनव ने 20वें कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में यह सफलता हासिल की है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। भुसावल मंडल पर दोहरीकरण के कारण ट्रेनों का भुसावल मंडल के आकई किला और मनमाड़ सेक्शन के बीच दोहरीकरण कार्य के संबंध में इस मंडल से संबंधित निम्न ट्रेनों के परिचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। ट्रेन संख्या 11428 जसड़ी पुणे एक्सप्रेस 26/6/2022 को होने वाली यात्रा और ट्रेन संख्या 11427 पुणे जसड़ी एक्सप्रेस 24/6/2022 को होने वाली यात्रा रद्द रहेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला उर्दू इंग्लिश एंड हिंदी। देश में कोरोना की स्थिति। भारत ने पिछले 24 घंटे में 13,313 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कुल मामलों की संख्या 4,33,44,958 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 83,990 हो गई है। भारत में आज कोविड से संबंधित 38 नई मौतें हुई हैं, जिनसे मरने वालों की कुल संख्या 5,24,941 हो गई है। सक्रिय मामले में कुल संक्रमणों का 0.19% शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड 19 रिकवरी दर 98.60% दर्ज की गई। एक अधिकारी ने आज कहा कि दूसरी ओर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 708 नए कोविड 19 मामले और एक मौत दर्ज की गई है, जिससे इसकी संक्रमण संख्या 7,21,723 हो गई और मृत्यु संख्या 11,899 हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये नए मामले और मौत बुधवार को सामने आई। उन्होंने कहा कि थाने में कोविड 19 मृत्यु दर 1.67% थी। 24 घंटे के भीतर सक्रिय मामले में 2,303 की वृद्धि हुई। मंत्रालय ने कहा है कि दैनिक सकारात्मकता दर 3.94% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 2.90% दर्ज की गई है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
एडवांस एक्सेल हार्डवेयर नेटवर्किंग मोबाइल रिपेयरिंग ब्यूटिशियन बेकिंग का कोर्सेज पाइथन सी प्लस प्लस जावा पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एस बी गवाई रोड में। बाबर सुप्रियो के इस्तीफे के बाद आसनसोल में कुमारपुर फ्लाईओवर का काम आज़ादी के बाद से बढ़ाकर कुलटी न्यामतपुर को आसनसोल से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जीटी रोड। नतीजा जनत सैकड़ों बसें मिनी बसें और हजारों कारें और बाइक सुबह से ही बुरी तरह प्रभावित हुई। बाबुल ने सांसद बनने के बाद पहली बार फ्लाईओवर बनाने की कोशिश की और 2019 में दूसरी बार सांसद बनने के बाद उन्होंने रेलवे और इस्पात विभाग से बात की और बजट बढ़ाया और इस काम की आधारशिला रखी। 60 करोड़ रुपए की लागत का एक विशाल क्षेत्र में रेल मार्ग शुरू किया गया। जहां फ्लाईओवर बनाना है वहां कई खंभे पहले ही बन चुके हैं। काम की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए वह खुद अक्सर रेलवे अधिकारियों के साथ आते थे। कई जगह पिलर का काम शुरू नहीं हुआ। बाबुल सुप्रियो ने पिछले साल भाजपा और सांसद से इस्तीफा दे दिया था। नतीजा जनत उन पर भाजपा छोड़ने और भाजपा जोड़ने का आरोप है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, RAIL, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. चल रहे संकट को कम करने के प्रयास से महाराष्ट्र के मंत्री संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस और राकपा के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है अगर वे अगले 24 घंटे में मुंबई लौट आएं। यदि आप कह रहे हैं कि आप शिवसेना नहीं छोड़ रहे और यदि आपका मुद्दा सरकार के साथ है तो हम इससे बाहर आने की तैयारी में हैं, लेकिन पहले वापस आने का साहस दिखाएं और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी मांगों को रखें। यदि आप 24 घंटे के भीतर वापस आते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट एडिटर 9563830। सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और मांगा समय। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो कोविड-19 जटिलताओं के लिए एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहीं, ने बुधवार को ईडी को पत्र लिखकर उन्हें स्थगित करने की मांग की। वह पूरी तरह से ठीक होने तक नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ हफ्तों के लिए पेश हो सकती हैं। सूत्रों ने कहा है कि ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और जल्द ही उन्हें नई तारीख दे सकते हैं। 20 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 75 वर्षीय कांग्रेस नेता को एजेंसी ने अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 23 जून को तलब किया था। उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जांच एजेंसी पहले ही 5 दिनों से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, द राइट पीपल हु विल शो अप, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सही लोग सामने आएंगे, आपके सपने सच होंगे।
खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।